इस पर्टिकुलर वीडियो में हम थोड़ा सा वो बात करेंगे जो हम ऑलरेडी पहले भी एक बार कर चुके हैं, जब हमने कन्वोल्यूशनल लेयर्स को डीएनएनएस में कन्वर्ट करना सीखा था और डीएनएनएस को हमने सीएनएनएस में कन्वर्ट करना सीखा था। तो एक बार आज हम इस बारे में वापस बात करेंगे। तो देखिए, मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे कि अगर ये हमारी एक इमेज है 14x14x3 की, तो क्रॉस 3 तो यहां पे देखिए 8GB चैनल्स के लिए है एंड 14 इसकी हाइट एंड वेट एंड 3 इसकी जो है डेप्थ है या फिर नंबर ऑफ चैनल्स है। अब इसका देखिए, अगर हम एक फिल्टर साइज के साथ कन्वॉल्व करते हैं जिसकी साइज है 5x5x ऑफ कोर्स 3 होगा यहां पे, राइट, एंड नंबर ऑफ फिल्टर्स जो हैं ये हैश F में हम इसलिए लिखते हैं, हैश को हम यूज करते हैं नंबर ऑफ लिखने के लिए, लाइक ताकि इतना लंबा ना लिखना पड़े, बस हैश का मतलब नंबर ऑफ है हमारी स्लाइड्स में, हमारी सारी वीडियोस में। तो अब देखिए, जो आउटपुट वॉल्यूम आएगा वो आएगा 10x10x16। आपको ये नहीं पता कैसे आया, आप हमारे पुराने वीडियोस में जाइए, देखिए कन्वोल्यूशन कैसे लेते हैं। फिर अब इसको हम मैक्स पूल लेंगे, फिल्टर साइज 2x2 ही रहेगा, तो हमको पता है कि देखिए पूलिंग जो है नंबर ऑफ चैनल्स पे असर नहीं डालती है, और इसमें जो है स्ट्राइड भी अगर हम 2 की यूज कर रहे हैं तो देखिए फाइनली हमारे पास आ जाएगा 5x5x16। अब देखिए यहां पे हमारे लिए क्रूशियल है, आप देखेंगे कि यहां पे 400 नंबर्स हैं और यहां पे भी जो है 400 नंबर्स हैं, राइट। तो देखिए 400 नंबर्स यहां पे हैं, 400 नंबर्स यहां पे हैं, सिमिलरली 400 नंबर्स यहां पे हैं, 400 नंबर्स यहां पे, एंड देन फाइनली ये एक यहां पे आउटपुट अगर हमारा यस नो टाइप का है, जैसे कि हमने लास्ट वीडियोस में देखा है, लास्ट वीडियो में देखा है इन पर्टिकुलर, तो ये एक नोड रहेगा, बाकी अदरवाइज अगर क्लासेस है मल्टीपल, पेडेस्ट्रियन, कार, मोटरसाइकिल, तो यहां पे ये जो होगा हमारा एक सॉफ्टमैक्स हो जाएगा, राइट। सो इट्स नॉट यस एंड नो एनीमोर, अब ये सॉफ्टमैक्स हो जाएगा। तो ये आपको हिंट देना चाहिए, जो हमने लास्ट वीडियो में जो होमवर्क दिया था उसको सॉल्व करने के लिए, एकदम ट्रिवियल एक्सटेंशन है, कुछ भी नहीं करना है। तो अब देखिए हमारा पार्ट यहां तक ये रहेगा कि आप मान लीजिए यहां तक का काम आप जो है सेम कर रहे हैं। अब उसके बाद हम ये चाह रहे हैं कि ये जो फुली कनेक्टेड लेयर्स हैं, राइट, जिसमें न्यूरॉन्स एक दूसरे के एक के ऊपर एक के ऊपर एक स्टैक किए हुए हैं, हम इनको नंबर ऑफ चैनल्स में लाना चाहते हैं। तो अब आप देखिए यहां पे कितने नंबर्स हैं टोटल, 5x5x16, तो ये 400 नंबर्स हैं। अब आप इनको फुली कनेक्टेड के साथ कैसे कनेक्ट करते हैं, हर कोई हर किसी से कनेक्टेड है, राइट। तो देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो एलिमेंट है, तो आप अब इसको बोल सकते हैं, देखिए अगर ये हमारा जो पुरानी नोटेशन है, अगर उसमें ये Z1 है, हम इसको मान लीजिए फर्स्ट ही कनेक्टेड लेयर मान लेते हैं अभी, राइट, फुली कनेक्टेड टू फर्स्ट, या फिर LS लेयर मान लेते हैं, मान लीजिए तो ZL1 आप ऐसे कंप्यूट करेंगे, राइट, Z2 जो है, और फिर अब उस केस में तो देखिए, अब देखिए Z2 कैसे कंप्यूट करेंगे हम, Z2 हम कंप्यूट करेंगे W21L X1 ऑल द वे अंटिल W2N XN प्लस ये B1 था, ये B2 हो जाएगा, एंड सो ऑन, ऐसे कर करके हम Z400 कंप्यूट कर लेंगे, यानी कि ये रहा Z400, राइट। सिमिलरली ये ऐसे हो जाएगा W401 L X1 प्लस ऑल द वे अंटिल W400 L प्लस B400 L। अब देखिए N भी इस केस में 400 ही है। इस स्ट्रक्चर को देखिए अब समझ लेने के बाद
हमको ये पता है कि ये जो फुली कनेक्टेड लेयर थी ये कैसे मैथमेटिकल ऑपरेशन के बाद आ रही थी यहां से यहां पे। तो देखिए हमको हमारे पुराने वीडियो से पता है, हमारी पुरानी जो बेसिस जो हमने डेवलप किए थे कंसेप्ट उनसे पता है कि फुली कनेक्टेडनेस का मतलब है ये ऐसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर देना, राइट, एंड देन फिर बायस वाला वेक्टर ऐड कर देना। तो कुल मिला के अभी हम ये कह रहे हैं कि हमने इन 400 नंबर्स को 400 डिफरेंट वेट्स के साथ मल्टीप्लाई किया। सो एक सेट ऑफ वेट्स के लिए मल्टीप्लाई किया तो ये मिला, दूसरे सेट ऑफ वेट्स के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये मिला, तीसरे सेट ऑफ वेट के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये मिला। तो ऐसे कर करके हमने यहां पे कुल 400 गुना 400 क्योंकि हर एक के कंप्यूटेशन के लिए 400 वेट्स लगाए हैं प्लस 400 बायसेस। अब हमको सेम चीज कंप्यूट करनी है, बस ये जो इसका जो स्टोर होने का तरीका, इसका जो रिप्रेजेंटेशन का तरीका है, बस हमको वो चेंज करना है। अब आप ये मान लीजिए, देखिए 5x5x16 का जो वॉल्यूम है, राइट, उसको अगर हम हमारा जो फिल्टर साइज है वो लेते हैं 5x5x16 का। तो देखिए अब जब हम इसको इस फिल्टर के साथ कॉन्वॉल्व करेंगे तो ये हमारे हैं एक्सिस, राइट, x1 से लेके x400 तक, अगर हम इनको एक स्टैक में रखते हैं तो, मतलब बिना डेप्थ और बिना विड्थ का ध्यान रखे अगर हम चलते रहते हैं, उनको नंबर करते रहते हैं, तो देखिए 5x5 25x16 400 हो गए। तो हमारा फिल्टर साइज भी एग्जैक्ट सेम रहेगा क्योंकि अगर हमको उसको कॉन्वॉल्व करना है तो फाइनली ये हमको एक नंबर देगा, राइट। हम देखिए यहां से शुरू कर रहे हैं, ये वाला जो पार्ट है अब हम उसको फुली कनेक्टेड की जगह, तो ये वाला पार्ट हमने यहां पे कर दिया है, अब हम इसको फुली कनेक्टेड की जगह हम इसको कॉन्वोल्यूशन से ला रहे हैं। तो अब देखिए 5x5x16 ये तो एक फिल्टर के साथ मल्टीप्लाई किया हमने, ये है हमारे एक्सेस x1 to x400, ये है हमारे वेट्स w1 to w400, तो ये जाके हमको एक नंबर देता है 1x1। अब अगर हम ऐसे 400 फिल्टर्स यूज कर लें, राइट, और ये कॉन्वोल्यूशन लेते चले जाएं, तो अब देखिए आपके पास जो आएगा वो आएगा एक वॉल्यूम, राइट, जिसकी फेस, मतलब जिसके हाइट एंड विड्थ तो देखिए 1x1 होंगे, लेकिन इसके नंबर ऑफ चैनल्स जो हैं वो 400 होंगे। तो अब देखिए इंपॉर्टेंट हमको ये देखना है कि क्या ये दोनों ऑपरेशन सेम है। देखिए पिछले वाले में हमने देखा कि एक नंबर के लिए आपके एक्सेस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, आपकी 400 एक्सेस हैं, 400 नंबर्स एक्सेस, राइट, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं 400 वेट्स के साथ। इस केस में देखिए यही हो रहा है, 400 नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं 400 वेट्स के साथ एक नंबर देने के लिए, एक नंबर देने के लिए, ठीक है। अभी मान लीजिए यहां पे भी रेलू नहीं लिया और अभी तक हमने भी रेलू नहीं लिया, बट रेलू लेना कोई बड़ी बात नहीं है, चाहे वो ये वाली बात हो या फिर ये वाली बात हो। फिर आपने दूसरा फिल्टर लिया, मतलब दूसरे वेट्स हैं, राइट। तो देखिए इसके कंप्यूट होने के लिए डिफरेंट वेट्स होते हैं, अगर आपको याद होगा डीप न्यूरल नेटवर्क, मतलब जो अपने डीएनएस देखे थे, अब इसका कंप्यूट करने के लिए डिफरेंट वेट्स होंगे, डिफरेंट वेट्स को हम यहां पे कर रहे हैं डिफरेंट फिल्टर्स के साथ रिप्रेजेंट। तो ये देखिए अगर फिल्टर वन मान लीजिए कोई था, राइट, कोई अगर फिल्टर वन था तो उसमें 5x5x16 ये जो नंबर थे ये डिफरेंट थे। अब फिल्टर टू जो है उसमें 5x5x16 डिफरेंट नंबर्स होंगे, नहीं, तो विच इज सेम एज कि यहां पे ये जो इनपुट आ रहा है 400 डिफरेंट नंबर से, बट इस बार वेट्स इन पे डिफरेंट है। एंड सिमिलरली अगर आप ऐसे 400 फिल्टर्स लेते हैं तो आपने ऐसे 1x1 आपने 400 बार कंप्यूट किया है, तो अब आपके पास ये जो नंबर्स आ रहे हैं ये बेसिकली मैथमेटिकली सेम है इस पर्टिकुलर लेयर के नंबर्स के साथ। इन अदर वर्ड्स
अगर आपका न्यूरल नेटवर्क यहां पे कोई नंबर्स लाना लर्न कर सकता है, तो एग्जैक्टली वही नंबर्स वो यहां पे इस पर्टिकुलर वॉल्यूम में भी लाना लर्न कर सकता है, राइट? जो भी वैल्यूज यहां पे थी वो वैल्यूज यहां पे हो सकती हैं विथ प्रॉपर वेट्स, क्योंकि यहां पे ये जो 400 वेट्स हैं दे कोरेस्पॉन्ड टू फर्स्ट फिल्टर, ये जो दूसरे 400 वेट्स हैं ये फिर दूसरे फिल्टर के साथ जाएंगे, एंड सो ऑन। तो देखिए इस फुली कनेक्टेड को अब हमने एक CNN एक वॉल्यूम में कन्वर्ट कर दिया है। अब आप इस 1x1x400 को वापस आप क्या करेंगे, 1x मतलब आपके जो फिल्टर साइज है वो 1x1 रखेंगे, तो 1x1 तो अकेले रहेगा नहीं, 1x1x400 होगा, राइट? और जैसे ही आप ये कन्वर्ट करेंगे तो आपके पास वापस एक 1x1 का नंबर आ जाएगा। लेकिन जैसे ही आप नंबर ऑफ फिल्टर्स को 400 करेंगे तो आपके पास फिर से 400 का एक वॉल्यूम आ जाएगा। अब हमको यह देखना है कि यह वाला पार्ट देखिए अभी इसके साथ कोरेस्पॉन्ड कर रहा है, एंड ये वाला पार्ट अभी देखिए इसके साथ कोरेस्पॉन्ड कर रहा है। तो यहां से यहां जाने में हमारी मैट्रिक्स की साइज जो होती है W की वो होती है 400 गुना 400। देखिए हम बायसेस को तो दोनों में ही ऐड कर सकते हैं, तो उनको हम अभी बात नहीं कर रहे हैं। तो 400 गुना 400 वेट यहां पे होने चाहिए। तो ये जो नंबर आ रहा है ये देखिए इन जो भी वैल्यू वहां पे आ रही है वो जो यहां पे जो वैल्यूज हैं राइट वो मल्टीप्लाई हो रही है किसी वेट्स के साथ में। तो यानी कि एक नंबर कंप्यूट करने के लिए आप सारे इनपुट्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसी वेट्स के साथ। देखिए यहां पे क्या कर रहे हैं, एक नंबर कंप्यूट करने के लिए आपने क्या किया, इन सारे 400 नंबर्स को मल्टीप्लाई किया इस फिल्टर के 400 वेट्स के साथ में, राइट? फिल्टर में तो वेट्स ही होंगे, तब जाके आपको एक नंबर मिला। एग्जैक्टली यही काम तो हुआ, एक जने को कंप्यूट करने के लिए आपने 400 इनपुट नंबर्स को मल्टीप्लाई किया 400 वेट्स के साथ, 400 इनपुट नंबर्स को मल्टीप्लाई किया 400 वेट्स के साथ, और आपके पास आया 1x1x1। अब आपको एक दूसरा कंप्यूट करना था तो आपने फिर से 400 यहां पे जो वैल्यूज थी उनको मल्टीप्लाई किया 400 डिफरेंट वेट्स के साथ, यानी कि दूसरे फिल्टर के साथ जिसकी साइज है 1x1x400। तो आपके पास सेकेंड नंबर आया, यानी कि ये वाला पार्ट, एंड सो ऑन। तो जब आपने लास्ट बार किया तो आपके पास ये लास्ट नंबर आया। तो यानी कि ये दोनों ऑपरेशंस जो है मैथमेटिकली सेम है। और फिर फाइनली आप क्या कर सकते हैं, फाइनली जब आप इसको कॉन्वॉल्व करेंगे, अब देखिए भाई आपको अब यहां पे चाहिए 4 नंबर्स, राइट? आपको यहां पे चाहिए 1x1x4। तो अब देखिए आप इसको करेंगे कॉन्वॉल्व 1x1x400 फिल्टर साइज है, क्योंकि जैसे ही आप ये फिल्टर साइज यूज करते हैं आपको एक नंबर मिलता है, और ऐसे आप 4 फिल्टर्स यूज कर रहे हैं। देख लेते हैं अब ये कैसे कोरेस्पॉन्डेंस होगा। एक नंबर के लिए हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं इन 400 नंबर्स को यहां के 400 वेट्स के साथ। तो देखिए एक नंबर के लिए इन 400 नंबर्स को हमने मल्टीप्लाई किया यहां के 400 वेट्स के साथ, एक नंबर आया, और हमने जब 4 फिल्टर्स लिए तो हमारे पास यहां पे 4 नंबर्स आ गए। तो यहां पे देखिए टोटल वेट्स की जो साइज थी वो क्या थी, 4x400। यहां पे एक फिल्टर में वेट्स है 400, टोटल 4 फिल्टर्स हैं वही 4x400। तो अब फाइनली ये जो वॉल्यूम आएगा उस पर आप सॉफ्ट मैक्स ले लीजिए। तो कुल मिला के देखिए कहने का मकसद इतना सा था कि ये जो नेटवर्क है इनपुट इमेज से लेके फाइनली सॉफ्टमैक्स तक कंप्यूट करने का, आपको फुली कनेक्टेड लेयर्स बीच में लाना जरूरी नहीं है। आप बस कन्वोल्यूशंस लेते चले जाइए एंड आप एग्जैक्टली सेम इफेक्ट पा सकते हैं, एग्जैक्टली सेम इफेक्ट। इस फुली कनेक्टेड लेयर्स
को हटाने के पीछे हमारा क्या मकसद है ये तो देखिए नेक्स्ट वीडियो में क्लियर होगा। इस वीडियो में बस इतना ही, थैंक यू। देखिए अगर आपको लगते हैं कि हमारे वीडियोस यूजफुल होते हैं, आपके करियर एडवांसमेंट में काम आएंगे, तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।